वर लक्ष्मी व्रत कथा। मगध के राज्य में कुंडी नाम का एक नगर था। कहा जाता है कि कुंडी नगर रावण की सोने की लंका की ही तरह सोने का बना हुआ था। इसी नगर में चारुमती नाम की एक ब्राह्मण महिला रहती थी। वह हर रोज माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी और पूरी लगन से अपने पति व सास ससुर की सेवा भी करती थी। एक रात जब चारुमती सो रही थी तो उसके सपने में माँ लक्ष्मी आई। उन्होंने चारुमती से कहा, मैं वर लक्ष्मी हूँ, जिस तरह से तुम मेरी पूजा करती हो मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सावन के महीने के अंतिम शुक्रवार को मेरा व्रत रखकर मेरी पूजा करो तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और संतान की भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर तुम यह व्रत अन्य लोगों से भी करवाओगी तो उन्हें भी इसका शुभ फल प्राप्त होगा। सुबह होने पर चारुमती ने सपने वाली बात अपने पति और सास ससुर को बताई। उन दोनों ने सलाह देते हुए कहा कि सपने की बातें सच होती हैं, इसलिए उसे सपने के अनुसार सावन माह के आखिरी शुक्रवार को माँ वरलक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। साथ ही उन्होंने नगर की अन्य महिलाओं को भी यह व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद सावन का महीना आने पर आखिरी शुक्रवार को चारुमती के साथ नगर की अन्य महिलाओं ने भी माँ वरलक्ष्मी का व्रत रखा और उनका पूजन पाठ किया। उस शुक्रवार के दिन चारुमती के साथ सभी महिलाओं ने सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान किया, साफ कपड़े पहने और मंडप सजाकर उसने भगवान गणेश व माँ लक्ष्मी की वर मुद्रा में मूर्ति रखी और कलश स्थापित करके पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की। पूजा के अंत में सभी महिलाएं उस मंडप की परिक्रमा करने लगीं, तो अचानक सभी महिलाओं का शरीर गहनों से सज गया। इस तरह यह पूजन करके वहां उपस्थित सभी महिलाओं को धन संपत्ति मिली। इसके अलावा उनका घर भी पशुधन जैसे गाय घोड़े और हाथी आदि से भर गया। माँ वर लक्ष्मी की कृपा से उनका नगर सोने का बन गया। तभी से नगर के सभी लोग चारुमती की प्रशंसा करने लगे और माँ श्री वर लक्ष्मी की हर सावन माह के आखिरी शुक्रवार को पूजा करने लगे। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।